किसान मित्रों नमस्ते। आज हम वाटरमेलन जो है यानी कि तरबूज की जो खेती है इसके बारे में जो वैरायटी लगाते हैं ज़्यादातर एक्सपोर्ट करने के लिए एक वैरायटी है फेमस जो ब्लैक बॉस बोल के है इंडस्ट्रीड की, इसके बारे में अभी यहाँ पे पीछे आप देख रहे हैं हार्वेस्टिंग शुरू है, एक्सपोर्ट हो रहा है ये माल, यहाँ से बॉम्बे जाएगा और बॉम्बे से एक्सपोर्ट होगा। लगभग 60 दिन के करीब में ये वैरायटी हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है। और दूसरी एक बात है कि ये वैरायटी में ज़्यादातर जो बेल सूख जाते हैं अर्ली टाइम में वो प्रॉब्लम नहीं रहता, बाद में एक्सपोर्ट के लिए अभी तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि रशिया में भी यहाँ पे एक्सपोर्ट मॉस्को में भी एक्सपोर्ट हुआ है। तो आज इस वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देंगे कि किस प्रकार से ये एक्सपोर्ट के लिए अभी पूरा कंप्लीट जो प्रोग्रेस आप देख रही है, तो इसके बारे में इंडस्ट्रीड के जो यहाँ के जो प्रतिनिधि है तो वो आपको एक वैरायटी के बारे में एक दो चार शब्द या कुछ आप जानकारी दे सकते हैं। इंडस्ट्रीड का जो ब्लैक बॉस है वो पूरा दिन होने के बाद भी इसका पौधा नहीं सूखता, मतलब आप देख रहे हैं ये सब जो प्लॉट है पूरा अभी देख सेटिंग जैसा लग रहा है, लेकिन अभी इसके हार्वेस्टिंग चालू है और उसके अंदर का जो फ्लेश है वो पूरे दिन पूरा लाल होने के बाद भी ये फट नहीं रहता। अच्छा। पूरे के पूरा टाइट रहता है इसका कीपिंग क्वालिटी अच्छा रहता है इसका, अभी 25 दिन रख सकते हैं। नहीं, एक बात बताइए, अगर ये किसान हार्वेस्ट हुआ और कुछ मतलब क्या ऐसा नेचुरली जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितने दिन तक आप ये स्टोर कर सकते हैं नेचुरल लेवल पे? 20-25 दिन रह सकते हैं। 20-25 दिन। तो किसान मित्रों कम से कम अपने किसान के पास भी ये अगर पूरा मैच्योरिटी हो जाने के बाद भी कम से कम 20 दिन तक इसका जो कीपिंग क्वालिटी है वो इतना अच्छा और बेहतरीन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाद दूसरी बात एक और है कि जब आप ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये वैरायटी को फार्मर को कितना रेट ज़्यादा मिल रहा है कि अदर जो वैरायटी है इसमें और आप में कितना डिफरेंस है? अभी मार्केट में 7-7.5 रुपए चालू है। अच्छा। 7 रुपए चालू है अभी झारखंड के जो आए उन्होंने अभी इसको 10 रुपए मार्केट दे दिया फार्मर को। हाँ तो सर जी आप एक मिनट आ जाइए, थोड़ा बंद आ जाइए। एक तो बात है आपका थोड़ा परिचय आप दे सकते हैं? मेरा नाम मोहम्मद इरफान हुआ, सब मुझे बबलू भाई के नाम से यहाँ जानते हैं। हाँ। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? झारखंड से हूँ, जमशेदपुर से। आप क्या क्या बाय करते हैं? मेरे मेन बाय करने का है कैपेसिटी ग्रैप्स और पोमोग्रेनेट्स, ये मेन है। तो मैं फर्स्ट टाइम ये काम कर रहा हूँ ये आपके तरबूज का वाटर मिलन का। हाँ। तो मुझे जितना भी एक्सपीरियंस हुआ मैं अपना कर रहा हूँ तो मुझे पता चला मार्केट से कि ब्लैक बॉस है। हाँ। इसकी टिकाऊ बहुत है तो इसलिए मैं सौदा किया हूँ। तो मैंने कल आपके शेतकरी से किसान भाई से बात किया हूँ तो 12 रुपये उन्होंने रेट बोला। हाँ। तो 10 रुपये रेट लगा के जा चुके थे सब। अच्छा। तो मैं भी बोला वही रेट में तो तैयार हो गए, उनसे पहला रिलेशन है और फर्दर रिलेशन रहेगा और मैं चाहूँगा कि ये माल मेरा पास हो जाए दुबई में तो मैं ब्लैक बॉस में ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा। तो इसके पहले भी हम कह चुके हैं कि मॉस्को में गया था माल, उसके बाद अभी दुबई जा रहा है। तो आप किसानों को क्या बता सकते हैं कि आपको किस क्वालिटी का माल चाहिए, उसका जो कॉस्मेटिक अपीयरेंस बोलो या अंदर का टेस्ट बोलो या कलर बोलो या शाइनिंग ग्लेजिंग ये किस प्रकार की या उसका साइज और वजन क्या चाहिए? वजन 2 किलो प्लस मुझे मिला यहाँ और किसान भी बहुत सपोर्ट। रिक्वायरमेंट आपका? मेरा 2 से 4 किलो का रिक्वायरमेंट है। ये पूरे किसान देख रहे हैं दुबई से, दुबई के जो एक्सपोर्ट क्वालिटी होती है वो 2 से 4 किलो तक 4.5 किलो के बीच में हमको लेना पड़ता, मेंटेन करना पड़ता, उसके ऊपर ना उसके नीचे जाते, ठीक है। और ये इनका मैं देख रहा हूँ ग्रीन जो लेयर है इसमें वायरस भी नहीं है मैं देख रहा हूँ। हाँ। सबसे बड़ा जो प्लस ये माल में टिकाऊ है और जिस तरह चेक होता है वो चेक कर रहा हूँ तो इसमें कोई भी कंप्लेन नहीं है, मेरे हिसाब से अभी परफेक्ट है। ठीक है, ये बोल रहे कि ऊपर से दिखने के लिए भी अच्छा होना चाहिए और अंदर से भी बेहतरीन, मतलब लाल पूरा हुआ शुगर होना चाहिए, शुगर और शुगर का लेवल भी बहुत टेस्टी, मतलब के करीबन भरपूर पानी है इसके अंदर है, अभी भरपूर पानी है। तो दूसरी एक बात है, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं
तो पेमेंट का कैसा रहता है, ये भी कैसे किसान? पेमेंट आपका बैंक हम लोग ट्रांसफर करते हैं। अच्छा, कुछ एडवांस मैंने 25,000 रुपये इनको कल एडवांस भी दिया। अच्छा, वाया बैंक मेरी कंपनी भेजी वहाँ से। अच्छा। और अभी भी इनको फुल जैसे गाड़ी के वजन बताएंगे फुल पेमेंट इनको। अगर अगर इंटरेस्टेड फार्मर है इसके लिए, अगर ब्लैक बॉस आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब के फर्स्ट प्रिफरेंस आप ब्लैक बॉस को दे रही है यहाँ पे, तो अभी का रेट हमें पता है कि क्या चल रहा है, और इन्होंने जो रेट दिया है वो भी क्या है? एक्चुअली 4 से 5 रुपये रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है इनके पास, तो इसलिए ये ब्लैक बॉस वैरायटी और ये सर जी इन्होंने ये पूरा ये किसान का फ़ायदा करके दिया है, तो इसलिए मैं सर जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये हमारे जो प्रमोद सर है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की करके यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट या ये वाटरमेलन में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो फार्मर भी ध्यान दे, अच्छा रेट चाहिए तो क्वालिटी भी अच्छी निकलनी चाहिए, अच्छी निकलना चाहिए, स्प्रे टाइम पे चाहिए, ऊपर से इल्ली का जो शक किया हुआ या खुरदरा जो ऐसा रहता है वो नहीं चाहिए। हाँ, बस थोड़ा चलेगा लेकिन बड़ा नहीं चाहिए। बाकी अपने आप वैरायटी में सभी क्राइटेरिया है, वो अपने आप पूरे एक्सपोर्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए वो वैरायटी अपने आप पूरी कर देगी, खाली फार्मर को अच्छी तरह से मेंटेन करना है बस। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। शेतकरी मित्रांनो, ब्लॅक बॉस ही वरायटी एक्सपोर्टसाठी आज दुबईला जाती आहे, आणि त्या अनुषंगाने आज आम्ही छोटासा व्हिडिओ तुमच्याशी शेअर करतोय की जेणेकरून येणाऱ्या काही जे नवीन शेतकरी आहेत त्यांनी पण अशा पद्धतीनं नियोजन करून एक्सपोर्ट करावा आणि 4 पैसे जास्त मिळवावे या उद्देशानं आज ही ब्लॅक बॉस व्हरायटी माळशिरस तालुक्यातील श्रीपूर गाव आहे ना, श्रीपूर गावातील। तर तुमचं हे जे शेतकरी आहे आमच्यासोबत, तर ते तुमचा परिचय थोडा द्याशे की तुमचं किती एकरावर आणि काय नाव तुमचं सगळं? माझं नाव विजय तुळशीदास भाग्यवंत, राहणार श्रीपूर सेक्शन 14। माझं क्षेत्र 1.5 एकर आहे, 1.5 एकरात 9,000 रुपये लावलेले आहे। तरी आता गाडी भरायला चालू आहे, अजून काय माहीत नाही म्हणजे किती टन गेले काय जाईल आता काही अंदाज नाही, पण चालू आहे सध्या। आता कसं आहे थोडक्यात, कसं आहे आता प्रमोद सर 7 ते 8 वर्षापासून सोबत आहेत। प्रमोद सर, तुम्ही सांगा की एक्सपोर्ट क्वालिटीचा माल 100 समजा 9,000 रुपयापैकी किती टक्के एक्सपोर्ट क्वालिटीचा आता, किंवा सर जी आप एक बता सकते ये प्लॉट में अभी एक पूरे प्लॉट में कितना परसेंट में एक्सपोर्ट के लिए आपको मिल रहा है अभी माल? आप जो कटिंग कर रहे हैं, जो पंचर हुआ या कुछ खराब हुआ या कुछ रिजेक्शन का जो माल है वो कितना आप निकाल रहे हैं अभी? 12 से 13 टन में मैं 200 किलो निकाला हूँ बस। फार्मर मतलब शेतकरी बंधूंनो, ही एक विशेष महत्त्वाची बाब आहे की जवळजवळ 12 टनात 200-300 किलो फक्त रिजेक्शनला जर माल काढत असतील तर किती चांगल्या प्रतीची व्हरायटी ही ब्लॅक बॉस एक्सपोर्टसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरू शकते। आता प्रमोद सर, तुम्ही एकदा सांगा की ही जी ब्लॅक बॉस व्हरायटी यातली काय वैशिष्ट्य तुम्ही सांगा की एक्सपोर्टला काय कशासाठी मागणी एवढी? ब्लॅक बॉस जी व्हरायटी आहे जी किपिंग क्वालिटी म्हणजे सगळ्या व्हरायटीपेक्षा चांगली आहे सध्या, म्हणजे जे व्यापारी जे यायला लागले ते कट करून ब्रिक्स चेक करून सगळे जे घेते त्यामध्ये ह्याला ब्लॅक बॉसला पहिल्यांदा प्रेफर केलेलं आहे त्यांनी। आणि ह्याचा जो फ्लॅश आहे तो पूर्ण लाल झाला तरी फाटत नाही आतून। आणि आता तुम्ही साईज बघता, ही सगळी एकसारखी कॅप्सूल साईज आहे, असं राऊंड तुम्हाला सापडणार आता। ही थंडीतला प्लॉट आहे आणि 1-1.5 महिना थंडी आधी घेतलेली आहे पाठीमागे ह्या प्लॉट, तरी सुद्धा कॅप्सूल चांगला साईज आले आकार। युनिफॉर्म साईज जवळजवळ 80-90% युनिफॉर्म साईज तुम्हाला बघायला मिळेल। आणि जो एक्सपोर्टर है, आप एक बार आपको आपको किस तरह का माल और क्या क्वालिटी चाहिए ये फार्मर को बताइए। मेरे को 2 से 4 किलो के बीच में माल लगता है एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए, जो कि मेरा UAE जाता है। और हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कुछ कोई चीज़ का भी दाग ना हो, प्लेन माल चाहिए। जैसे इसमें यल्ली कुछ माल में है तो मैंने अभी आपके जो आए हुए रिजेक्शन किया हूँ, तो वो मैं किसान से भी बोल रहा हूँ ये माल नहीं चलेगा, किसान भी मेरी बात मान रही है। तो मैं किसान से कोशिश करूंगा कि अपने माल पे ध्यान दें। साधारण सोपा क्राइटेरिया त्यांनी सांगितलेलं आहे की एक साधारण 2 किलोच्या पुढचा माल पाहिजे, क्वालिटी चांगली पाहिजे, आतून जो घर न फाटलेला किंवा आतून लाल कलर आणि साखरेचं प्रमाण हे अतिशय गोड पाहिजे, एवढ्याच फक्त क्रायटेरिया हे एक्सपोर्टचे आहेत। या व्यतिरिक्त असे काही जास्त म्हणजे डाळिंबामध्ये जसं आपण जास्त क्रायटेरिया लावले जातात तशा प्रकारचा क्रायटेरिया कलिंगडमध्ये नाही। आणि दुसरी गोष्ट प्रमोद सर, आता किती दिवसापर्यंत टिकू शकेल आत्ता ह्या घडीला शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये
तोडल्यानंतर सुद्धा किती दिवसापर्यंत हे राहू शकतं? 20 ते 25 दिवस राहू शकतं तोडल्यानंतर. प्लॉट अजून 15 दिवस प्लॉटला काय होतं तुम्हाला वेल नंतर अशी ओढून काढावं लागतं. वेल बसायचं प्रमाण नाही, बऱ्यापैकी रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली आहे म्हणजे मरण. तुमच्या जमिनीत जर विल्ट वगैरे असेल फ्युजरियम तर येऊ शकतं. तर हे ब्लॅक बॉस व्हरायटीचं आत्ता निर्यातीचं जे सगळा एक व्हिडिओ बघितला, बऱ्याच शेतकऱ्यांनी प्रेरणा घ्यावी की एक्सपोर्टला कशा पद्धतीनं आपला माल देता येईल. आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातून दुसरी वेळ आहे की ब्लॅक बॉस एक्सपोर्ट होत आहे, पुढे एक्सपोर्ट झालेला कुठल्या तरी नाही आलेला, ही दुसरी वेळ आहे. आणि आता इथून पुढे काही वर्षामध्ये सतत एक्सपोर्ट व्हावं अलीकडचं.